नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी सप्लाई सिस्टम के बारे में। आप लोग जानते हैं पावर प्लांट में डीसी सप्लाई की कितना जरूरत पड़ती है, तो उसका इम्पोर्टेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। डीसी सप्लाई क्यों जरूरत पड़ती है, कहाँ पे जरूरत पड़ती है, उसका प्रोटेक्शन क्या है, डीसी सप्लाई कैसे आता है, तो और डीसी सप्लाई कैसे बनता कैसे है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे इलेक्ट्रिकल पावर चैनल को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड थर्मल पावर प्लांट रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। लेकिन ये चैनल जो है पहले ऑल इन वन कॉन्सेप्ट के नाम पे था, अभी नाम चेंज करके हमने इलेक्ट्रिकल पावर हमने रखा है। तो इलेक्ट्रिकल पावर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला नोटिफिकेशन भी दबाइएगा। मेरा नाम है तापस कुमार, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको पता ही होगा कि डीसी जो सप्लाई है उसका चार पॉइंट में हम डिस्कस कर। पहले डीसी सप्लाई का ड्यूटी क्या है, डीसी जो लोड क्या है, डीसी में क्या क्या लोड देते हैं हम, डीसी सप्लाई जो हमने लेके आया उसमें लोड क्या होता है, डीसी सिस्टम क्या क्या होता है, उसके बाद बैटरी कितने सारा टाइप का बैटरी होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों सबको पता होगा कि डीसी किस में से मिलता है, डीसी बैटरी से ही आता है मेनली और इन्वर्टर से आता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो डीसी सिस्टम इज डिजाइन, किसके लिए डिजाइन किया गया है, कि इसमें हाई स्टैंडर्ड एंड रिलायबल एंड सिक्योर पावर आपको मिलता है। हाई स्टैंडर्ड मतलब इसमें क्या है, कोई किसी की तरह फ्रीक्वेंसी फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, प्लस रिलायबल भी है, मतलब इसको आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, भरोसा इसमें कर सकते हैं, इसमें पावर कट होने के चांसेस कम रहेगा, और सिक्योर भी है। सिक्योर है मतलब जैसे कि कोई भी अगर एसी सप्लाई होता है तो उसमें क्या है, बहुत सारा हार्मोनिक्स रहता है या बहुत सारी चीज रहता है, तो इसमें क्या सिक्योर भी है, आप सही से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड कंटिन्यूस एंड क्वालिटी पावर सप्लाई व्हेन रिक्वायर। आपको तो पता ही होगा जी, क्वालिटी पावर सप्लाई देता है, कंटिन्यूस सप्लाई भी देता है, कहीं पर ब्रेक होने की चांसेस बहुत कम रहता है। उसका तीसरा पॉइंट क्या है, अंडर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन ये आपको हमेशा साथ देता है, जो कि बिल्कुल सही है। अल्टीमेट एंड फाइनल डीसी बैकअप टू पावर द इक्विपमेंट एंड ड्राइव्स व्हेन टोटल एसी सप्लाई इज फेल। तो मेनली यही कारण है कि डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी जगह देखा जाता है कि डीसी अगर कहीं एसी सप्लाई अगर फेल हो जाता है तो हमको वहाँ पे बैकअप के लिए एसी, अगर एसी फेल हो जाता है तो डीसी हमको बैकअप के लिए हमको चाहिए, क्योंकि एसी केबल पैदा होता है या जनरेटर को रोटेट करने में के बाद आपको एसी मिलता है। अगर एसी जनरेटर नहीं, अगर जनरेटर चल ही नहीं रहा है तो आपको एसी कहाँ से मिलेगा, लेकिन उस टाइम में आपको बैटरी से आपको पावर मिल सकता है, जो कि स्टैटिक एनर्जी है और जिसमें कोई साउंड भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कभी भी आप चालू कर सकते हैं, रिलायबल भी है, कहीं भी किसी जगह आप उठा के चालू कर सकते हैं। तो ये अगर पावर फेल हो जाता है, एसी सप्लाई फेल हो जाता है, तो हम उस वहां पे हम डीसी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर बैटरी बैकअप्ड। और डीसी कहाँ कहाँ जरूरत होती है, डीसी आपको जरूरत पड़ती है जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्रेकर में जरूरत होता है, या लाइटिंग में जरूरत होता है, या आपको पीएलसी में यूज होता है, तो बहुत सारे जगह पे यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, टू सप्लाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड डीसी ड्राइव। बहुत सारे जगह पे आपको भाग खोलने के लिए डीसी ड्राइव की जरूरत पड़ती है, प्लस बहुत सारे जगह पे आपका सर्वो मोटर भी जरूरत होती है, तो वहां पे आपको डीसी चाहिए। तीसरा क्या है, टू सप्लाई स्टार्टर्स और वेरियस इक्विपमेंट। तो आपको भी पता है बहुत सारे इक्विपमेंट होता है जो कि डीसी में चलता है, वो स्टार्टिंग में सप्लाई देने के लिए और डीसी में। चौथा पॉइंट क्या है, टू सप्लाई इक्विपमेंट व्हेन एसी सप्लाई हैव बीन लॉस्ट।
ये तो पता ही होगा, जहां पे एसी सप्लाई लॉस और लॉस हो जाता है वहां पे हम डीसी देके उसको चालू करते हैं। अच्छा, पावर प्लांट में आपको पता ही होगा पावर प्लांट में कितने सारे सप्लाई सोर्स रहता है। मेनली चार चार टाइप का सप्लाई सोर्स है। पहला सोर्स क्या है, जो एसी में है, क्या 11 kV/3.3 kV+ by 415 kV एसी सप्लाई आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये पावर आता है कहाँ से, ग्रिड से भी आ सकता है या हमारा यूनिट से भी आ सकता है। दूसरा सप्लाई कहाँ से मिलता है, 415 वोल्ट एसी सप्लाई, जो कि डीजी से आता है। डीजी मतलब डीजल जनरेटर सेट, वहां से मिलता है। और चौथा कहाँ पे है, डीसी पावर सप्लाई। जो डीसी पावर सप्लाई कहाँ से आता है, जो कि या ग्रिड कनेक्ट से भी हो सकता है, या बैटरी बैंक से भी हो सकता है, या बैटरी बैंक से भी हो सकता है, या दूसरे यूनिट से भी हो सकता है। बहुत सारे डीसी सप्लाई से भी होता है। उसके बाद क्या है, चौथा सोर्स यूपीएस। यूपीएस मतलब अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि आप मान सकते हो कि डीसी का बैकअप, डीसी का ये डीसी सप्लाई का दूसरा एक टाइप है। ओके, आपको तो पता चल रहा होगा कि बहुत सारे आसान आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से टाइप कीजिए, और अगर किसी भी आपको क्वेश्चन में मन में क्वेश्चन है तो उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद चलते हैं डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई कहाँ कहाँ जरूरत है, बेसिक है, क्रिटिकल वाल्व, अभी जो मैंने बताया उसमें से। अब डीसी लाइटिंग में भी जरूरत होता है, या कंट्रोल सप्लाई स्विच गियर कंट्रोल सप्लाई भी, क्लोजिंग और ट्रिपिंग सर्किट में आपको जो डीसी आपको चाहिए। उसके बाद कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड इंटरलॉक के लिए, जो हमारा एमसीसी में रहता है, जो ब्रेकर का इंटरलॉक प्रोटेक्शन रहता है, चाहे वीसीबी हो या एयर सर्किट ब्रेकर हो या वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, वहाँ पे कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग ट्रिपिंग सर्किट के लिए आपको डीसी की जरूरत पड़ती है। इंडिकेशन एंड एनुमिक कम्युनिकेशन एंड अलार्म सिस्टम, ये कम्युनिकेशन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कम्युनिकेशन एंड अलार्म सिस्टम। बहुत सारी जगह पे अलार्म सिस्टम के लिए भी डीसी यूज करते हैं, क्योंकि कहीं पे अगर कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, अगर फॉल्ट आपका एसी के ऊपर डिपेंड हो जाता है, एसी अगर फेल हो जाता है फॉल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, तो फॉल्ट डिटेक्शन के लिए जो अलार्म रहता है वो भी डीसी से चलता है। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो कि कहीं पे माइक रहता है, या आपका चलिए कोई आपका वॉकी टॉकीज रहता है, वहां पे भी ये देखिए डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और डैश एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अभी बताया, पीएलसी में भी आपको जरूरत पड़ती है। तो और आगे बढ़ने से पहले तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और डीसी सप्लाई की क्यों जरूरत पड़ती है, अभी वही वही चीज हम बार बार घूमने आते हैं, इमरजेंसी लूब ऑयल पंप, इमरजेंसी जैकिंग ऑयल पंप, इमरजेंसी स्कैनर एयर फैन, इमरजेंसी सील एयर फैन, ब्रेकर यूनिट प्रोटेक्शन एवं इमरजेंसी लाइटिंग, जो कि ये सब सारे चीज, अब जो सारे चीज जो है ये आपका बॉयलर में आता है, क्योंकि बॉयलर का जो होता है लुब्रिकेशन सिस्टम, जो बॉयलर का मतलब बॉयलर के अंदर टरबाइन सेट में, टरबाइन या जनरेटर सेट में लुब ऑयल पंप रहता है, उसके बाद जैकिंग ऑयल पंप टरबाइन में रहता है, उसके बाद ये सील एयर फैन, स्कैनर एयर फैन, इसमें आप इसमें ये आप बॉयलर में मिलता है, ये एमसीसी के अंदर रहता है, और ये पूरा पावर प्लांट के अंदर रहता है, जो कि इमरजेंसी लाइटिंग है। उसके बाद आता है कि द अल्टीमेट बैकअप, द अल्टीमेट बैकअप इन केस ऑफ यूनिट ट्रिपिंग, ग्रिड फेलियर एंड अदर देन चेंज ओवर टेक प्लेस, डीसी शुड स्टार्ट। नॉर्मली क्या होता है, कहीं पे भी अगर ग्रिड फेलियर हो जाता है तो वहां पे भी आपको डीसी बहुत की जरूरत पड़ती है, या यूनिट ट्रिप हो जाता है, या कोई भी चेंज ओवर करने से पहले आपको डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली क्या है, ग्रिड सप्लाई वुड बी रिस्टोर्ड विद इन ए मिनिमम पॉसिबल टाइम एंड डीजी वुड शट डाउन। क्या यूनिट जो ग्रिड जो पावर सप्लाई रिस्टोर होने में बहुत टाइम लगता है, उससे पहले हम क्या कर डीजी शट
डीजी भी हम जो डीजी चालू कर देते हैं। अगर डीजी चालू नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, तो बैकअप के लिए हम आपको बैटरी बैंक की जरूरत पड़ती है। अच्छा, डीसी वोल्टेज जो सिलेक्शन है वो किसके ऊपर निर्भर, पहले पता होना चाहिए कि डीसी वोल्ट कितना मिलता है आपको। 24 वोल्ट डीसी मिलता है, 48 जो 48 वोल्ट डीसी मिलता है, प्लस 110 वोल्ट भी मिलता है, और कहीं कहीं जगह 200 वोल्ट 220 वोल्ट डीसी भी आपका जरूरत पड़ता है। और एक चीज आपको क्वेश्चन में पूछता हूँ, जो कमेंट बॉक्स से आप टाइप कीजिएगा, जो डीसी जो 220 वोल्टेज है, ये 200 वोल्टेज जो मिलता है कितने बैटरी को एक साथ करके आपको 220 वोल्टेज मिलता है, या मैं आसानी करके पूछता हूँ कि एक बैटरी का कितना वोल्टेज रहता है पावर प्लांट में 220 वोल्ट बनाने के लिए। तो जो लोग जानते हैं नीचे कमेंट पे टाइप कीजिए, अगर जिसका सही जवाब होगा उसको मैं रिप्लाई करूंगा ये सही है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो सारा चीज मैंने मैंने लिखा हुआ है ये आप ध्यान से पढ़िए, स्लाइड को पॉज करके या वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें क्या है, डीसी पावर सप्लाई स्कीम, जो स्कीम है आपको यहाँ से उतना पता नहीं चला, उसके बाद में आपका ड्राइंग है उसमें पता चलते हैं। इसके बाद आपको ड्राइंग मिलेगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। डीसी सिस्टम में क्या था, बैटरी रहता है, चार्जर रहता है, मेनली सिंपल बात है। डीसी में क्या करेगा, बैटरी और चार्जर दोनों चीज रहेगा। उसके बाद डीसी सिस्टम में बैटरी चार्जर दो भी रह सकता है, तीन भी रह सकता है, बैटरी बैंक दो भी रह सकता है, कितना रहना चाहिए, बैटरी बैंक दो भी रह सकता है, एक भी रह सकता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये भी एक रहता है, दो भी रह सकता है, डीसी फ्यूज बोर्ड ये भी रहता है, अन अर्थिंग सिस्टम ये भी रहता है, चार्जर ट्रबल डीसी अर्थ फॉल्ट एंड डीसी वोल्टेज एबनॉर्मल अलार्म इन यूनिट सर्किट ब्रेकर, अच्छा वहाँ पे भी जरूरत होता है अगर चार्जर में कोई प्रॉब्लम है या अर्थ फॉल्ट आ रहा है या डीसी कुछ एबनॉर्मल साउंड एबनॉर्मल अलार्म आ रहा है तो यूनिट सर्किट ब्रेकर भी आपको जरूरत पड़ती है। तो ये है आपका स्कीम। स्कीम क्या है, जो एक डीसी चार्जिंग सिस्टम है, यूपीएस सिस्टम का भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे देखिए तो 440 वोल्ट आ रहा है, 440 वोल्ट से आपको क्या मिलता है, एसी में आ रहा है, जो एसी के बाद यहाँ पे 220 वोल्टेज डीसी मिल रहा है जो कि यूपीएस में होता है, देखिए जो कि आ रहा है। इसका दूसरा एक पार्ट लेके आपको क्या करना है, ये बैटरी बैंक में जा रहा है, ये आपका आइसोलेटर है, ये भी एक आइसोलेटर है, बैटरी बैंक में चार्ज हो रहा है, और जो डीसी जो यहाँ से मिले और डीसी फीडर में चला जा रहा है, मतलब बहुत सारे जगह पे एमसीसी में आप समझ सकते हो वहाँ पे भी चला जा रहा है, ये भी एक टाइप का एमसीसी है जो कि एक फीडर बना दिया। और एक कहाँ से आ रहा है, और एक सेम चीज है यहाँ पे भी रखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पे भी 440 वोल्ट एसी आ रहा है इधर से, और जैसे इधर से आ रहा था ये डीसी बन रहा है 220 वोल्ट जो कि यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सप्लाई तो आपका नीचे चला जा रहा है आइसोलेटर देखा, और एक सप्लाई आपका बैटरी बैग में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये सप्लाई फेल हो जाता है, समझो कि ये कुछ टाइम के लिए ये सप्लाई फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो आपको क्या होगा, ये अगर दोनों फेल हो जाते थे तो ये वाला जो कनेक्शन है ये हट जाएगा, और ये बैटरी बैंक वाला कनेक्शन है इसमें क्या है, ये जो आइसोलेटर है ये नॉर्मल कर देंगे, ये भी नॉर्मल कर देंगे, तो बैटरी से डायरेक्ट चला जाएगा, यहाँ पे भी बैटरी से डायरेक्ट चला जाएगा। अगर बैटरी एसी है तो एसी से ये चालू कर देंगे, ये ओपन कर सकते हैं, अगर चार्जिंग करना तो चालू कर देंगे, तो बहुत ही सिंपल ड्रॉइंग है। और टिपिकल जो यूपीएस होता है, यूपीएस कैसे होता है, यूपीएस देखिए जो बताया अभी वैसा ही है, पहला जो है एसी 440 वोल्ट एसी आता है, उसको हम डीसी कर देते हैं, यहाँ पे आइसोलेटर लगा, बैटरी लगा है प्लस, और एक फिर डीसी को फिर एसी करते हैं, एसी करते हैं ऑल यूनिट प्रोटेक्शन के लिए हम जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जगह क्या होता है एसी की जरूरत पड़ती है जो जो कि रिलायबल होना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बैटरी से हम यूपीएस से लेते हैं, जो कि हम बैटरी से भी लेते हैं, अगर ये सप्लाई फेल होता है तो यहाँ से हम बैटरी से बैकअप लेके यूपीएस क्या होता है, जो एसी सप्लाई है लेकिन क्या होता है उसमें
ये अगर यूनिट शटडाउन भी हो जाता है तो प्रोटेक्शन सिस्टम आपका काम करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर ये सब लोग समझो कि फेल हो गया, यूनिट प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डीसी से फिर एसी बना के हमको सारे सारे जगह पे हमको भेजना पड़ता है। तो सेम चीज इधर पे भी सेम है, एक ही सेम सप्लाई है। उसके बाद क्या है, डीजी सेट हमने जो बताया था, तो डीजी सेट में कितना डीजी सेट रहता है, प्लांट में कितना भी रह सकता है, डीजी एक दो तीन कोई भी रहता है। डीजी एक से आपको इधर सप्लाई आ रहा है, इधर से देखिए यूनिट स्विच का चला जा, दूसरा स्विच का चला जा रहा है, ये भी सेम चीज है, तीन तीसरा स्विच का, चौथा, और इसका बैकअप, ये बैकअप के लिए लगा रखा है। एमसीसी में कहाँ कहाँ जरूरत होता है, देखिए स्कैनर, एआर, सीलीआर, जैकिंग ऑयल पंप, जो अभी डिस्कस किया हमने, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद डीसी हमने कहाँ कहाँ बताया, अभी देखिए एफ ट्रिपल एस में भी लगेगा, एच टी ब्रेकर में भी लगेगा, वैक्यूम ब्रेकर में लगेगा, एच ओ टी वी में लग सकता है, डी आर हीटर, एच पी हीटर, एल पी हीटर, डीसी फैन, एग्जॉस्ट फैन, एसी डीसी, उसके बाद लोड शेडिंग रिले, स्कैनर, एयर फैन, ऑल टाइप ऑफ डीसी लाइट, ये सारे कहाँ कहाँ लगता है, 220 वोल्ट डीसी, वहाँ उसका नाम है। उसका बाद कोई दिक्कत नहीं, ये सब आर सारे जो पॉइंट जो है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और 24 वोल्ट जो डीसी सिस्टम है वो चार्जर से आ रहा है, फिर बैटरी से जा रहा है, और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल ड्राइंग है, ये भी आपको कुछ नहीं है, ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। बैटरी में क्या क्या आता है आजकल, देखिए बैटरी कितना टाइप का होता है, एक होता है लेड एसिड बैटरी और एक निकल कैडियम बैटरी, लेकिन आजकल और एक बैटरी आया है जो है, उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। लेड एसिड में क्या क्या रहता है, आपका प्लेट रहता है, ट्यूबल रहता है, वीएलए रहता है, पेस्ट प्लेट रहता है, और एक निकल कैडियम, उसमें पॉकेट प्लेट रहेगा, ट्यूबुलर प्लेट रहेगा, और सिंथेटिक प्लेट रहेगा। लेकिन आजकल जो आ रहा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लिथियम आयन बैटरी का, वो भी आया था। और कुछ नहीं, बैटरी का जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड है जो बताया गया है, और कुछ नहीं। बैटरी कैपेसिटी आपको पता ही होगा कि एम्पेयर आवर में हम डोनेट करते हैं, कि अगर किसी बैटरी का अगर डोनेट किया हुआ है, अगर जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ, कहीं पे भी आपका देखिए, कहीं पे अगर लिखा रहेगा कि 10 एम्पेयर आवर, मतलब अगर 10 घंटा आपको, सॉरी 10 एम्पेयर आवर मतलब लिखा है, मतलब ये आपका बैटरी 1 घंटा 10 एम्पेयर लोड है तो 1 घंटा चलेगा, और एक एक एम्पेयर लोड है तो 10 घंटा चलेगा। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैटरी का जरूरत क्यों पड़ती है पावर प्लांट में, और कहाँ का बैटरी लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।